किशन और भुवन दोनों सगे भाई थे। भुवन देखने में बहुत ही सुडौल था, गोरा रंग, अच्छे नैन नक्श, पर भीषण बहुत ही बदसूरत था। शायद इसीलिए लोग उसे अपशगुनी बोलते थे। सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया, अब तो सारा दिन खराब जाएगा। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना, तो तुझे इस गांव में रहने भी नहीं देता। पर मेरा चेहरा ऐसा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तेरा पैदा होना ही गलत था, समझ गया? भीषण आकर अपने भाई का अपमान करता था। एक दिन की बात है, गांव के मुखिया किसी अच्छे काम के लिए जा रहे थे और उन्हें रास्ते में भीषण दिख गया। अरे राम 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 राम, अब तो सारा दिन ही बुरा जाएगा। लगता नहीं आज जो काम सोचा था वो पूरा होगा। पर मुखिया जी, मैंने क्या किया? अरे चुप बैठ, इतनी गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने आ गया? पता है मैं कितने जरूरी काम से शहर जा रहा था। अब भाग जा यहाँ से। भीषण वहाँ से उदास होकर निकल गया। यहाँ शाम के समय मुखिया जी गांव लौटे। उनका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ मुखिया जी? क्या होना था, आज सुबह सुबह उस मनहूस भीषण का मुंह देख लिया, काम तो खराब होना ही था। ना जाने कब वो भीषण इस गांव को छोड़कर जाएगा और इस गांव से अपशगुनी टलेगी। तो आज ही ये शुभ काम क्यों ना कर दें? मुखिया के साथ कुछ गांव वाले भुवन और भीषण के घर आ पहुँचे। भुवन जी, मुखिया जी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। कैसा फैसला मुखिया जी? भीषण का, गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो गांव में रहे। उसे देखने से लोगों का दिन खराब हो जाता है। अब तो तुम्हें इस गांव से निकलना ही होगा। पर वो कहां जाएगा? कहीं भी जाए, पर इस गांव से दूर चला जाए। पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तेरा चेहरा देखते ही लोगों का दिन खराब हो जाता है, तू अपशगुनी है। ये सुनकर भीषण रोने लगा। शायद आपका बोलना सही है मुखिया जी, मैं खुद इससे परेशान हो गया हूँ। मेरे पिताजी के गांव के बाहर एक जमीन है, वो जमीन मैं इसके नाम कर देता हूँ, ये अब वहीं रहेगा। बहुत अच्छे भुवन। गांव वाले वहां से चले गए। भीषण तू अपना सामान वामान बांध ले, अब तू इस गांव के बाहर ही रहेगा। पर भैया, मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी, बस अब तू वहीं रहेगा। भीषण को वहां नहीं रहना था, पर अब कोई उसे गांव में रहने नहीं देगा। ये सोच के उसने अपना सारा सामान बांधा और घर से निकल गया। जब वो अपने बाबा की जमीन पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कुछ बंजारों ने अपनी झोपड़ी बना ली थी। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरे बाबा की जमीन है। तो तू इस जमीन का मालिक है? हाँ हूँ भी और नहीं भी। मैं मंजली हूँ और ये मेरा भाई भीकू है। हम दोनों तेरी इस जमीन पर सालों से रह रहे हैं और अब तू चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं? नहीं नहीं, तुम मत जाओ, कम से कम तुम मेरे साथ यही रहो। क्या मतलब? भीषण ने रोते हुए मंजली को अपनी सारी कहानी सुनाई। कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता, मेरी शक्ल ऐसी है, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई गलती ना है, जो लोग तुझे अपशगुनी मानते हैं उनकी सोच गलत है। जो लोग तुझे अपशगुनी मानते हैं उनकी सोच गलत है, और हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, तू हमारे साथ यहीं रह। ये सुनकर भीषण खुश हो गया। कम से कम कोई तो था जिसे उसकी बदसूरत शक्ल से कोई तकलीफ नहीं थी। उस दिन से भीषण उन बंजारा भाई बहन के साथ रहने लगा। वो उनके साथ जंगल में जाकर जंगली फल तोड़ने लगा, घर के बाहर खेती भी करने लगा। भीषण खुश था। एक ही तकलीफ थी कि उन्हें पानी लाने बहुत दूर कुएं पर जाना पड़ता था। हर दिन तीनों साथ में पानी भरने जाया करते थे।
मंजली के साथ रहते रहते मंजली और भीषण को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर उन दोनों ने शादी भी कर ली। अब भीषण का खुद का परिवार था, वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। कुछ महीनों बाद मंजली पेट से थी, अब वो ज्यादा दूर से पानी नहीं ला सकती थी। अब से मैं पानी लाऊंगा, तू बाहर नहीं जाएगी। भला तू अकेले कैसे इतना पानी लाएगा? वो मैं देख लूंगा, तू फिकर ना कर। मैंने सुना है कि इस जमीन में जल्दी पानी मिल जाता है, अगर हम मिलकर खुदाई करें तो हमारी पानी की समस्या हल हो जाएगी। ये भी कर सकते हैं। दीदी यही करते हैं, हमेशा पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन दोनों को जब भी समय मिलता वो बारी बारी खुदाई किया करते थे। अगले दिन से भीषण और भीखू ने खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए और अब कई फीट की खुदाई हो चुकी थी। अब लगता है जल्द ही पानी मिल जाएगा। उम्मीद तो है। हाँ दीदी जल्दी मिलेगा। पानी की आस में वो गड्ढा खोदते गए। एक दिन भीषण अकेले खुदाई कर रहा था, अचानक उसे कुछ गीला गीला लगा। वो खुश हो गया कि शायद पानी मिल गया। मंजली भीखू देखो देखो क्या मिला। वो दोनों वहाँ आए और फिर भीखू गड्ढे में उतरा तो उसने उस गीली चीज को हाथ लगाया। ये पानी तो ना है। क्या मतलब पानी नहीं है? भीखू ने वो गीली चीज अपनी बहन को सुंघाई। मिट्टी का तेल है ये। क्या? उनकी जमीन में मिट्टी का तेल निकला था। जल्द ही ये खबर अखबारों में छप गई। भीषण मंजली और भीखू अमीर बन चुके थे। भीषण का भाई भुवन गांव वालों को लेकर भीषण के घर आया। अरे मेरे भाई मुझे पता था कि तू अपशगुनी नहीं है, वरना तुझे तेल का कुआं कैसे मिलता? अब बड़ा प्यार आ रहा है अपने भाई पर, खुद ही उसे घर से निकाला था ना? वो हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? ये मेरी पत्नी है और मेरा इस दुनिया में इसके अलावा और कोई नहीं है, ना कोई भाई और ना कोई और रिश्तेदार। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप सब यहाँ पर मेरे पैसों की लालच में आए हैं, इसलिए चले जाओ। आप में से किसी को भी एक भी पैसा नहीं मिलेगा। भीषण ने सभी को वापस भेज दिया। एक वक्त था जब भीषण को गांव वालों ने ठुकराया था और अब एक वक्त है जहाँ भीषण ने गाँव वालों को ठुकराया। भीषण के बुरे वक्त में किसी ने उसका साथ नहीं दिया, पर अब जब उसके पास पैसे आए तो सभी लोग उसके पास आ गए। यही असलियत है जिंदगी की, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जादुई पेट्रोल की नदी। एक बहुत छोटे से गांव में कुल मिला के 20-25 घर होंगे। उस गांव पर राजा दीनानाथ का राज चलता था। राजा के दो बेटे थे, दिबस और नंदन। दिबस अपने पिता के नक्शे कदम पे चलके राज्य चलाना चाहता था। उसे पैसों का लालच था और गांव वालों से नफरत। नंदन अपने पिता और भाई से बिल्कुल उल्टे विचारों का था। उसे ना पैसों से प्रेम था और ना तो वो सत्ता और राज्य चलाना चाहता था। पिताजी आज नंदन फिर से गांव में पूरा दिन बिता के आया है। हाँ तो तुमको साथ में नहीं ले गया था ना? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? नंदन अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम राजा के बड़े बेटे हो। एक राजा और राज्य के लोगों में अंतर रखना बहुत जरूरी है। कल को वो तुम्हें एक राजा नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान की नजरों से देखने लगेंगे। पिताजी मैं एक सामान्य इंसान ही हूँ, आप इस दिवस को बना देना राजा। वैसे भी इसे बड़ा शौक है राज्य चलाने का। तुम्हारा दिमाग ठिकाने रहता तो तुम्हें भी शौक होता राजा बनने का, पर तुम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो।
पिताजी, गांव वालों को एक राजा नहीं बल्कि एक मित्र की जरूरत है, जो उनकी दुविधाएं समझे और उनके साथ मिलके गांव को आगे बढ़ाए। नंदन, हम पिछले 50 साल से यहाँ एक राजा हैं। हमें मत सिखाओ कि इस गांव को किसकी जरूरत है। नंदन चलो, पिताजी बुला रहे हैं, उनके कोई दोस्त आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, महल में आने से पहले नहा लेना, वरना इन गांव वालों की जैसे बदबू आएगी तुमसे। आदि बस बाबू, कहो तो तुम्हें भी गोबर के पानी से नहला दें। चुप, सब के सब चुप हो जाओ। नंदन, पिताजी ने कहा है तुमको आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ, अभी मैं यहाँ काम खत्म करके आता हूँ। बाबा जी, आप इस गांव में पहली बार आए हो? हाँ बेटा, इन खेतों में खाना ढूंढते हुए फिर रहा हूँ। चलिए, मैं आपको अपने खेत से कुछ दे देता हूँ। बेचारे गांव वालों के पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है, और फिर भी वो आपको कभी मना नहीं करते। अच्छे हैं इस गांव के लोग? जी हाँ, बहुत प्यारे हैं सब। बेटा, तुम कौन हो वैसे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदन कुमार है, मैं इस राज्य के राजा का बड़ा बेटा हूँ। आपको अभी भूख लगी है तो आप मेरे खेत से जो खाना है खा लीजिए, और उसके बाद मेरे साथ महल में रात गुजार सकते हैं। ये खेत तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्या ये सारा काम तुमने किया है? जी हाँ। बेटा, तुम नहीं बताते तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम राजा के बेटे हो। तुम मुझे अपने पिताजी के पास भी तो भेज सकते थे। पिताजी का पैसा उनका खुद का है, मैं उनके पैसे खर्च नहीं कर सकता। आपने मुझसे मदद मांगी और मेरे पास अपना कहने को सिर्फ ये खेत ही है, इसलिए मैं इस खेत से आपको जो चाहिए वो दे सकता हूँ। वाह बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है, मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो जो मांगना है। पुजारी जी, अगर सच में कोई वरदान दे सकते हो तो इन गांव वालों की जिंदगी खुशहाल बना दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस गांव में एक भी बच्चा भूखे पेट ना सोए और कोई भी पैसों के लिए ना रोए। तथास्तु बेटा, सदा खुश रहो। चलिए, अब हम महल चलते हैं। पुजारी जी, पुजारी जी, कहाँ गायब हो गए? हर सुबह की तरह नंदन अपने खेत के लिए निकल पड़ा। गांव वाले नदी के बराबर खड़े होकर बातें कर रहे थे। काका, क्या हो गया? नदी में गांव वालों का मेला क्यों लगा है? नंदन बेटा, कोई चमत्कार हो गया है। हमारे गांव से बहने वाली नदी में पेट्रोल बह रहा है। क्या, आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे खुद चल कर देख लो। काका, ये तो सच में पेट्रोल है, इसका इस्तेमाल करके हम गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या नंदन बेटा? हम लोग क्या ये अजूबा दिखाने के लिए दूसरों से पैसे ले सकते हैं? नहीं काका, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इस पेट्रोल की नदी से आपके साथ साथ आपकी 3 पीढ़ी भी पैसा कमा सके। नंदन ने रात में गांव में एक पेट्रोल पैकेजिंग कंपनी खोल ली और गांव का हर एक इंसान इस कंपनी में काम कर रहा था। गांव वालों को हर हफ्ते पैसे मिलते थे। गांव वालों की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। सबके पास अब घर, गाड़ी और बंगला था। राजा और दिवस से ये देखा नहीं गया और उन्हें भी इस पेट्रोल की नदी से फायदा कमाना था।
पिताजी, हम नदी से एक सीक्रेट पाइपलाइन बिठा देते हैं जिससे पेट्रोल डायरेक्टली हमारे घर के नल तक आएगा। उसके बाद हम पेट्रोल पैक करके दुगने दाम में बेच सकते हैं। अरे लगता है पेट्रोल की नदी सूखने वाली है नंदन बेटा। खैर, हमने नदी से इतना तो कमा लिया है कि गांव वालों के पास अब अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने के लिए काफी पैसा बच गया है। जी काका, राजू के पास नई ट्रैक्टर आ गई है, हेमू ने अपनी नई दुकान खोल ली है, चाची ने अपना खेत बड़ा कर लिया है और आपको भी तो नया घर मिल गया है। बेटा, जितना मिला है उतना काफी है, लालच करके मैं अपनी खुशी नहीं गंवाना चाहता हूँ। उधर राजा और दिवस को नदी सूखने की वजह से डर लगने लगा था। मूर्ख राजा ने सोचा कि पेट्रोल में पानी मिलाकर अपने ग्राहक को बेच देगा, लेकिन कुछ समय बाद उनके ग्राहकों का कंप्लेंट बढ़ने लगा। एक दिन राजा ने नदी का पेट्रोल वापस लाने के लिए घर पर पूजा रखवाई। घर के सबसे बड़े पेट्रोल के नल के सामने बड़ा सा हवन करवाया। गलती से वो नल खुल गया और पूरे घर में पेट्रोल की पाइपलाइन में आग लग गई और उसमें राजा और दिबस दोनों मर गए। इधर राजा और दिबस के पेट्रोल पाइपलाइन के बंद होने की वजह से नदी फिर से पहले की तरह भर गई और गांव वाले दोबारा से अपनी पैकेजिंग कंपनी से पैसे कमाने लगे और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे।